कृषि संकाय में गेहूं प्रक्षेत्र दिवस कुलपति ने चावल गेहूं चक्र के माध्यम से खाद्य उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया। कृषि संकाय गेहूं प्रक्षेत्र दिवस मनाया गया। प्रोफेसर नजीर ए गनई माननीय कुलपति SKU ASTE कश्मीर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी निदेशक विस्तार और प्रोफेसर हारून राशिद नाइक निदेशक अनुसंधान भी शामिल हुए। डीन FOA ने कुलपति का स्वागत किया और कृषि संकाय में गेहूं कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। संकाय सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में किसान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम किसानों को जल्द ही पकने वाली गेहूं की किस्मों को दिखाने के लिए आयोजित किया गया था। अपने संबोधन में कुलपति ने मई के अंतिम सप्ताह में काटी जा सकने वाली गेहूं की शुरुआती किस्मों में प्रजनन के लिए पादप प्रजनन विभाग को बधाई दी और किसानों से कश्मीर घाटी से खाद्य उत्पादन बढ़ाने और फसल की तीव्रता बढ़ाने के लिए चावल गेहूं चक्र को लोकप्रिय बनाने के इस विश्वविद्यालय के प्रयास का हिस्सा बनने का आह्वान किया। उन्होंने किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज उपलब्धता और प्रौद्योगिकी सहायता सहित हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रोफेसर गनई ने गेहूं की नर्सरी का विस्तृत दौरा किया। नवीन विशेषता स्रोतों सहित गेहूं जर्म प्लाज्म की विशाल विविधता को बनाए रखने के लिए प्रजननों की सराहना की। कार्यक्रम में कई गेहूं और जौ उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया। आज हम यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडोरा में हम मेरे साथ मेरे सारी कलीग हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो फील्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक वीट फील्ड है। हमारी यूनिवर्सिटी ने करीब जो बड़ा चैलेंज था जम्मू कश्मीर में कि हमने राइस के साथ और कौन सा क्रॉप हम कल्टिवेट करें ताकि हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200% हो जाए, मतलब हम अपने खेत से साल में कम से कम 2 फसल हम उगा सकेंगे। तो पिछले कई दहाइयों से हम इस कोशिश में थे कि अगर हमने राइस के साथ वीट को रोटेट करना है तो वो वीट की वो वैरायटी होनी चाहिए जो मई के 25 मई के आसपास में जो मैच्योर हो जाए और हम फसल काटें और उसके बाद हम जमीन को तैयार करें। मुझे आज ये कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने वीट की कई ऐसी वैरायटी तैयार की है जो मई के आखिरी हफ्ते में तैयार हो रही हैं और उनमें से एक वैरायटी मिनीक्योर ट्रायल्स के लिए हमने दी है। अगले एक साल के शायद अंदर अंदर हम उस वैरायटी को रिलीज करेंगे। ये बताना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पास इस वक्त एक बहुत बड़ा जखीरा है वीट का। 10,000 एक्सेशन हैं जो हमने नेशनली और ग्लोबली जो हमारे रिकग्नाइज अदारे उनसे हासिल किए, तो 10,000 हमारे पास जर्म प्लाज्मा बैंक है, उससे हमने ये वैरायटीज डेवलप करी हैं। करीब 20 वैरायटीज डेवलप करी, उसमें से 3 वैरायटीज बड़ी प्रॉमिसिंग वैरायटीज हैं जिनको हम राइस के साथ यूज करके उनको इंटरक्रॉप या रोटेट कर सकते हैं। इसके साथ में हमने भी अपने यहाँ जमीन दरबार से ये भी कहा है कि जो हमारा रबी वाला सीजन है उसमें हम ऑयल सीड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ओट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश हमारी ये है कि हम किस तरह से अपनी जमीन में 200% क्रॉपिंग इंटेंसिटी करें और अपनी आमदनी को भी बढ़ाएं और जो हमारी जो इंपोर्ट बिल है जो बाहर से हम चीजें मंगवाते हैं उसको हम कैसे कम करेंगे। आज हम यहाँ पे इस कॉलेज में इसी बात पे हमने देखा और अपने जमीन दरबार के साथ भी ये बात हमने शेयर करी। नर्सिंग होम जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयदीप उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।